नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एक और सेशन, और ये सेशन है हमारे एमसीक्यू का सेशन जो हम करते हैं डेली करंट अफेयर्स। सो अल्टरनेट डे पर मैं एमसीक्यूज आपके लिए स्पेशल क्लासेस के फॉर्म में लेकर आता हूं। आज हम बात करेंगे 4th and 5th February 2020 के एमसीक्यूज के ऊपर, और मैं आपको आज की क्लास में नियर अबाउट 78 MCQs करवाने वाला हूँ। दोनों दिनों के हम टोटल 78 MCQs करेंगे। आई हैव 80 MCQs वी हैव विद अस। ओके, 80 MCQs हम करेंगे, फटाफट करेंगे, बिना पोल के होगा। ओके, क्योंकि 80 MCQs पोल के साथ करने और विद इन 20-25 मिनट्स करने पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इसलिए कमेंट्स में आंसर कीजिएगा। और कल से मेरी एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है प्लस पे, कल से स्टार्ट हो रहा है मेरा एक नया कोर्स वीकली वाला। ओके, वीकली वाला वो देख लीजिएगा, प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा लेने के इच्छुक हो तो। ओके, सो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जस्ट तुरंत फौरन अपने आंसर फटाफट देते रहिएगा। और ये मेरा नया पैटर्न है एमसीक्यू उसका, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद जरूर आएगा। एंड वन मोर थिंग, मैं पहले कहता था कि करंट अफेयर्स आप मेरे सोर्स से फॉलो कीजिए और एमसीक्यूज आप मल्टीपल साइट से फॉलो कीजिए, बट अब जो मेरा नया पैटर्न है एमसीक्यूज का, अब मैं कॉन्फिडेंटली फिर से कह सकता हूँ, एक नई चीज कह सकता हूँ कि करंट अफेयर्स आप मुझे इकलौते सोर्स से फॉलो कर सकते हैं, और अब यहाँ पर आप एमसीक्यूज के लिए भी एक्सक्लूसिव मुझे ही फॉलो कीजिएगा। कहीं और से एमसीक्यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं और से एमसीक्यूज आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम एमसीक्यूज एक न्यूज में से बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ओके, सारे के सारे एमसीक्यूज मैं यहीं पर ही लेकर आया हूँ। इसके अलावा एक न्यूज में से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का एमसीक्यू नहीं बन सकता है, किसी भी तरह का एमसीक्यू नहीं बन सकता है। करंट अफेयर्स भी आपको यहीं से फॉलो करने, और एमसीक्यूज भी कहीं भी किसी और वेबसाइट पे किसी पोर्टल पे जाने की जरूरत ही नहीं है अब से आपको, ठीक है। बस एमसीक्यूज मेरे अल्टरनेट डे पर होंगे, कोशिश करूंगा नेक्स्ट मंथ से उसको डेली बेसिस पर करने का, बट इस मंथ एटलीस्ट ही अल्टरनेट डे पर ही आपको मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से रिलेटेड है। ओके, सो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये आपका कौन सा लॉन्च, नेम द प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म का नाम बताइए, उस प्लेटफॉर्म का नाम है CCTNS। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। नेम क्या है उस सर्विस का, अदर देन द मिसिंग पर्सन सर्च, जो कि अब अवेलेबल रहेगी सिटीजन के लिए, जो कि लॉन्च किया गया NCRB के द्वारा, उस सर्विस का नाम क्या है, उस सर्विस का नाम क्या है। ओके, सो उस सर्विस का नाम है जनरेट फोन NOC। ओके, सो ये आपका उसका नाम है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द डिस्ट्रिक्ट व्हिच हैज टॉप द लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंक बाय द गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग इन दिसंबर 2019। ओके, दिसंबर 2019 में आपका नीति आयोग के द्वारा कौन से डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है, ये आंसर है चंदौली। चंदौली ने आपका टॉप किया है इस लिस्ट में। हाउ मेनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, कितनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को लिया गया है, बेसिकली कितनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके इंडिया में जिनको चुना गया है। ओके, और वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या कितनी है, कितनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की संख्या है, ये है 112, राइट। कौन से बैंक ने पार्टनरशिप किया केयर रेटिंग्स के साथ फॉर असेसिंग द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ SME कस्टमर्स, बैंक केयर रेटिंग्स टाई अप, कौन से बैंक ने किया है टाई अप, और ये किया है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपका टाई अप किया है। नेम द इंस्टीट्यूशन विच गवर्न्स द रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया, कौन से इंस्टीट्यूशन रेटिंग एजेंसीज को गवर्न करता है इंडिया में। ओके, कौन सी एजेंसी करती है, RBI, SEBI, IRDAI और NABARD, राइट आंसर इसका है आपका सेबी। सेबी आपका गवर्न करता है रेटिंग एजेंसीज को इंडिया में। व्हाट इज द लोन अमाउंट दैट NABARD ने आपका दिया है एंड टू विच बैंक, कितनी अमाउंट दी है और कौन से बैंक को दी है उन्होंने हाल ही में, कितनी अमाउंट और कौन से बैंक को दी है उन्होंने हाल ही में, और ये अमाउंट है आपकी कितनी, 140 करोड़, ए इज द राइट आंसर, पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक को दी है ये अमाउंट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया है जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ
जिसके तहत स्टार्टअप्स के लिए, टेक्नोलॉजी फर्म के लिए जो फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, वो अरेंज की जा सकेगी. ओके, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया है? जेट्रो के साथ. जेट्रो के साथ टाई अप किया है आपका नेस्कॉम. नेस्कॉम ने आपका टाई अप किया है जेट्रो के साथ. मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन यूनेस्को के साथ कौन सी जगह पे हुई है? कौन सी जगह पर हुई है मीटिंग अभी हाल ही में? नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन यूनेस्को, और ये मीटिंग हुई है आपकी हाल ही में न्यू दिल्ली में. न्यू दिल्ली में आपकी ये मीटिंग हुई है. किसने चेयर किया मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूनेस्को इन न्यू दिल्ली? किसने इस मीटिंग को चेयर किया? कौन था चेयरपर्सन इस मीटिंग का? ओके, सो कौन था इसका चेयरपर्सन? चेयरपर्सन था आपके ए रमेश पोखरियाल निशांक, एचआरडी आपके मिनिस्टर. Name the technology which Indian Railway undertook which aims for automatic identification and data collection of rolling stock with focus on improving the safety and reliability. क्या है उस टेक्नोलॉजी का नाम जो अभी हाल ही में इन्होंने ली है? कौन सी टेक्नोलॉजी इन्होंने ली है? इंडियन रेलवे से एसोसिएटेड है ये टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी है आपकी RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, राइट. नेक्स्ट, दो वर्क्स फॉर RFID प्रोजेक्ट हैज बीन सैंक्शन बाय द रेलवे बोर्ड फॉर अ टोटल ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी? ओके, सो ये RFID प्रोजेक्ट जो है, कॉस्ट कितनी आई है, लागत कितनी आई है, कितनी मनी इसके लिए दी गई है, एंड इसका राइट आंसर आपका रहेगा दैट इज दी 112.96 करोड़ रुपीज. नेम द स्टेट द गवर्नमेंट ऑफ विच अलोंग विद द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बनाना, इन्होंने हाल ही में कौन से स्टेट ने ये आपका एक्सपोर्ट की है बनानास को, जो कि बना है आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर एक्सपोर्टर ऑफ द बनाना. राइट आंसर इसका है आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश ने ये आपका किया है, राइट. नेक्स्ट चलते हैं इस प्रीवियस क्वेश्चन में. द बनानास वर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट टू विच पोर्ट विद द हेल्प ऑफ द लिंक हॉफमैन कोचेस मेड बाय द जर्मनी? कौन सी जगह से कौन सी जगह पर पहुंचे थे ये बनानास, उससे यहाँ पर पूछा गया है. ओके, सो ये बनानास आपके पहुंचे थे तद्दीपत्री अनंतपुर आंध्र प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो की मुंबई में है. Which Indian states has launched a direct CTO scheme for green category industry? Direct CTO scheme आपकी green category industry किसने आपका, कौन से state ने आपकी launch की है? Okay, so ये state है आपका तमिलनाडु. तमिलनाडु ने इसको हाल ही में launch किया है. Companies falling under which color category do not require consent from the pollution control board? ये अभी इसी news से related है. ओके, सो ये किसको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपका कंसेंट नहीं चाहिए, इन द तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं. एंड द राइट आंसर है व्हाइट. व्हाइट अगर कलर कैटेगरी में आती हैं तो इनको नहीं चाहिए आपका परमिशन. कौन से बैंक ने आईबॉक्स 24/7 सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी आपकी दी है? अपने आप एक बॉक्स टाइप कुछ लग जाएगा आपका ब्रांच के बाहर, और वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक या फिर कोई रिटर्न चेक जो वापस आया है. राइट आंसर है इसका ICICI बैंक. विच बैंक हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ कॉर्पोरेट लोन एंड इंड सूर्य शक्ति रिसेंटली? ओके, कॉर्पोरेट लोन एंड इंड सूर्य शक्ति अभी हाल ही में कौन से बैंक ने इसको लॉन्च किया है? ओके, सो ये है आपका राइट आंसर इसका है इंडियन बैंक. ओके, इंडियन बैंक ने ये दोनों स्कीम आपकी हाल ही में लॉन्च की है. सूर्य शक्ति लोन इज रिलेटेड टू? ओके, सूर्य शक्ति जो लोन है इंडियन बैंक का, किससे रिलेटेड है, कौन किस पर्पस से ये लोन आपका सूर्य शक्ति दिया जाएगा? ओके, सो ये है आपका रिलेटेड टू द सेटिंग अप ऑफ रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट. ओके, सो इससे रिलेटेड है सूर्य शक्ति लोन. Next, who has received the second edition of an award Pen Gauri Lankesh set up in memory of the journalist Gauri Lankesh? किसको मिला है, किसको दिया गया है आपका गौरी लंकेश सेकंड एडिशन ये अवार्ड, और ये दिया गया है आपका जम्मू कश्मीर के यूसुफ जमील को. ओके, सो हु हैज रिसीव्ड द इनॉग्रल, पिछली बार गौरी लंकेश अवार्ड डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म ये अवार्ड पिछली बार फर्स्ट टाइम जब दिया गया था तो किसको दिया गया था, किसको दिया गया था इनमें से ये अवार्ड पिछली बार, और ये दिया गया था आपका पी महमूद को आपका दिया गया था. What will be the approximate costing of each of the low cost satellite launch vehicle? जो कि आपका कॉस्ट कितनी रहेगी, कितने केजी का ये रहेगा आपका इसरो के द्वारा जो हाल ही में आपका अनाउंसमेंट किया गया है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट को ऑब्जर्व बनाने का. ओके, सो राइट आंसर इसका रहेगा सी 30-35 करोड़ एंड 500 केजी सी.
बारहवें एडिशन एनुअल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस का कौन सी जगह पर हुआ, बारहवें एडिशन एनुअल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस का कौन सी जगह पर हुआ है अभी हाल ही में, और ये है आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आपका ये बारहवें एडिशन एनुअल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया है। थीम क्या है साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस 2020 की, थीम आपकी साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस 2020 की थीम क्या रही आपकी, और ये थीम रही आपकी ए इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रीजनल परसेप्शंस, ये इसकी इस बार की थीम रही है। नेक्स्ट चलते हैं, 12th एडिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके द्वारा बारहवें एडिशन साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया था, किसके द्वारा आयोजित किया गया था ये आपका कॉन्फ्रेंस, ओके, और ये आयोजित किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के द्वारा। आर ए शंकरा नारायण रिटायर, कौन सी एमडी एंड सीईओ, कौन से बैंक के एमडी एंड सीईओ थे हैं आपके फिलहाल, मतलब रिटायर हो गए अपनी पोस्ट से, ओके ये हैं आपके एमडी एंड सीईओ कैनरा, ओके सो इट इज दी कैनरा बैंक, ओके कैनरा बैंक के आपके एमडी एंड सीईओ, राइट आंसर आपका नन ऑफ दीज है इसमें से, राइट चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टमर, ओके कस्टम्स के आपके नए चेयरपर्सन किसको बनाया गया, सीबीआईसी का नया चेयरपर्सन किसको बनाया गया है, और ये बनाया गया है आपका अजीत कुमार जी को, अजीत कुमार जी को बने हैं आपके ऑफिशियल मैस्कॉट गोवा 2020 नेशनल गेम्स का, ऑफिशियल मैस्कॉट कौन है और गोवा 2020 नेशनल गेम्स का, ओके सो ये है आपका एक बुलबुल, That is Ruby Gula, Bulbul वहां की, okay, so that is the official mascot of the Goa. State bird Goa का state bird कौन है? Goa का state bird of the Goa, that is the A, the flame-throated bulbul, state bird है आपका Goa का. Who has won the women's 10 meter air rifle T1 in national shooting trials? Okay, किसने जीता है आपका women 10 meter air rifle T1 in national shooting trials? और ये आपका जीता है किसने, ये जीता है आपका एयोनिका पोल ने, एयोनिका पोल ने ये आपका इसमें टाइटल जीता। Who won the men's 10 meter air rifle T1 in national shooting trials? Okay, men's में किसने जीता ये आपका टाइटल, ओके men's की कैटेगरी में किसने जीता आपका ये टाइटल, और ये जीता आपका विजयवीर सिद्धू ने आपका ये जीता है। कहां पर, वेयर द इवेंट ऑफ नेशनल शूटिंग ट्रायल्स वाज कंडक्टेड, कहां पर हुआ ये आपका ट्रायल अभी हाल ही में, और ये इवेंट कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था आपका तिरुवंतपुरम में आपका ऑर्गेनाइज किया गया था। Name the Irish composer who will be the first woman to conduct an orchestra at the Oscar guest segment. Okay, पहली Irish composer जो कि पहली महिला बनेगी orchestra में आपका lead करने वाली, और right answer है इसका Amir Noon, A is the right answer. Okay. नेक्स्ट, तुषार कांजीलाल इज नॉट रिलेटेड विच अमंग द फॉलोइंग प्रोफेशन, कौन से प्रोफेशन से वो रिलेट नहीं करते हैं इनमें से, ओके इज नॉट रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग प्रोफेशन, उनमें से कौन सा एक प्रोफेशन उनका नहीं है, थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिएगा अपने आप आंसर आपके सामने आएगा। राइट आंसर है डायरेक्टर, वो सोशल वर्कर थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, राइटर थे, बट वो डायरेक्टर नहीं है, ओके डायरेक्टर नहीं है वो। Name the Indian Air Force plane with biojet fuel which has taken off recently. अभी हाल ही में कौन से Indian Air Force ने आपका take off किया है biojet fuel which has taken off recently, and the right answer is the AN-32 is the right answer. The AN-32 aircraft आपका successfully कौन से airfield से इसने उड़ान भरी, पहली बार ये जो उड़ान भरी है कौन से airfield से इसने उड़ान भरी है, और ये उड़ान इसने भरी है आपकी लेह से, लेह से इसने अपनी उड़ान को भरा है। AN-32 टेस्ट कहां पर किया गया, कौन से एयरबेस पर टेस्ट किया गया था उड़ान भरने से पहले, उड़ान भरने से पहले ये टेस्ट किया गया था आपका कौन सी जगह पर, ये किया गया था आपका बी, ओके चंडीगढ़ इज द राइट आंसर, इसका आंसर चंडीगढ़ है, ओके सो यहां पर ये सही कर लो, इसको टेस्ट किया गया था ए दैट इज द चंडीगढ़ में, ओके सो ए इज द राइट आंसर। चलो, नेम द इंडियन नॉवलिस्ट हु हैज रिटन द बुक नेम द कलकत्ता नाइट्स, ओके सो किसने लिखी है आपकी ये बुक कलकत्ता नाइट्स, कौन से इंडियन नॉवलिस्ट ने, और ये आपकी लिखी है किसने, ये लिखी है आपकी रजत चौधरी ने ये आपकी बुक को लिखा है कलकत्ता नाइट्स को। कलकत्ता नाइट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन है विच बंगाली फिक्शन, ओके कौन से बंगाली
फिक्शन का, कौन सी बंगाली बुक का, आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है कलकत्ता नाइट्स और ये ट्रांसलेशन है आपका रतीर कोलकाता। ओके, इज द राइट आंसर। रतीर कोलकाता 1923 में किसने लिखी थी, ओरिजिनली किसने लिखी थी इसको 1923 में, और ये ओरिजिनली आपकी लिखी गई थी हेमेंद्र कुमार रॉय के द्वारा। ओके चलिए नेक्स्ट पे, विच कंट्री सिटी हैज टॉप्ड इन टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2019। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में कौन सी कंट्री की सिटी ने आपका टॉप किया है। राइट आंसर इसका है बेंगलुरु इंडिया। ओके, बेंगलुरु ने इंडिया ने इसमें आपका टॉप किया है। राइट, नेक्स्ट, हाउ मेनी सिटीज फ्रॉम इंडिया आर लिस्टेड इन द टॉप 10 मोस्ट कंजेस्टेड सिटीज इन टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। टॉप 10 में कितनी सिटीज इंडिया की आपकी शामिल की गई है, इसमें कितनी नंबर ऑफ सिटीज टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में आपकी शामिल की गई है। राइट आंसर इसका रहेगा 4, 4 सिटीज शामिल की गई है इसमें। विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज नॉट द पार्ट ऑफ द टॉप 10 टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2019। कौन कौन सी इनमें से कौन सी सिटी जो इसका पार्ट नहीं है, जो चार सिटीज की हम बात कर रहे हैं पिछले क्वेश्चन में, वो चार सिटीज में इनमें से कौन सी सिटी उस चार में नहीं है, इनमें से चार में वो सिटी नहीं है। राइट आंसर उसका चेन्नई है। ओके, सो दिस इज द चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे एंड द दिल्ली चौथी है जो इसमें है, बट चेन्नई नहीं है इसमें। हाउ मेनी सिटीज हैव बीन कंसीडर्ड अंडर द टॉम ट्रैफिक इंडेक्स ओवरऑल ग्लोबल लेवल में, कितने नंबर ऑफ सिटीज को आपका टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में शामिल किया गया, हाउ मेनी सिटीज। राइट, ओके, और ये है नंबर ऑफ सिटीज, कितनी है नंबर ऑफ सिटीज है आपकी 416। ओके, 416 इज द राइट आंसर, नंबर ऑफ सिटीज ग्लोबल लेवल पे। नेक्स्ट चलते हैं, एंड विच स्टेट हैज इमर्ज एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, कौन से स्टेट आपका बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट आपका बना है SDG इंडेक्स के तहत, और ये बना है आपका तेलंगाना। तेलंगाना आपका इसमें शामिल किया गया एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के फॉर्म में। नेक्स्ट है, अबिदाली नेमुचवाला ने MD एंड CEO कौन सी कंपनी के MD एंड CEO के पद से वो हटे हैं अभी हाल ही में, और ये हटे हैं आपके विप्रो टेक्नोलॉजी, विप्रो के आपके MD एंड CEO से आपके अबिदाली नेमुचवाला हट गए हैं। हु इज द इंडियन वुमन टू अर्न अ प्रोफेशनल फुटबॉल कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर साइनिंग फॉर स्कॉटिश जियांट रेंजर्स FC। ओके, सो ये आपका प्रोफेशनल फुटबॉल कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है, स्कॉटिश जियांट रेंजर FC। कौन से इंडियन वीमेन ने आपका इसमें अर्न किया है इस कॉन्ट्रैक्ट को, और ये है नगनोगम बाला देवी। ओके, सो इनको आपका मिला है। नेक्स्ट चलते, बाला देवी इंडियन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वीमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर, कौन से ईयर में ये आपकी चुनी गई थी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वीमेन्स प्लेयर, कौन से ईयर में इनको चुना गया था। ओके, सो ये चुनी गई थी आपकी A and C, both is the right answer, 2015 and the 2016 में। राइट, वाईएसआर पेंशन कनुका डोरस्टेप पेंशन स्कीम कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है इस स्कीम को, और ये लॉन्च किया गया है आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा इसको आपका लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, एज पर दी वाईएसआर पेंशन ओल्ड एज पेंशनर इनकी एज कितने से कितने तक करी गई है, 65 तो फ्रॉम 65 टू अप टू हाउ मेनी इयर्स। ओके, क्या रिवीजन किया गया है, कौन से ईयर तक रिवीजन किया गया है, दैट इज दी बी 60 ईयर्स इसका सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू YSR पेंशन स्कीम व्हाट विल दी पेंशन अमाउंट क्या रहेगी आपकी डिसेबल्ड पेंशनर एज वेल एज द क्रॉनिक किडनी डिजीजेस ऑफ अननोन डायलिसिस पेंशनर्स के लिए, क्या अमाउंट रही है उन्होंने, क्या पेंशन अनाउंस की है इसके लिए, और ये पेंशन अनाउंस की गई है 3000 रुपए पर मंथ एंड दी CKDU किडनी डिजीज के लिए 5000 से 10000 रुपए पर मंथ। नेक्स्ट, नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर टेलीस्कोप एंड ऑल्सो टेल द प्लेस वेयर इट इज सिचुएटेड। ओके, सो कहां पर है वो दुनिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप सोलर टेलीस्कोप एंड कौन सी प्लेस पर ये सिचुएटेड है। सो यहां पर आपके सामने चार लिखे हुए ऑप्शन, इनमें से सही आंसर है आपका डेनियल के इनोई सोलर टेलीस्कोप हवाई आइलैंड ऑफ द मॉई पर। क्रिस्टीन मार्गरेट सिंक्लेयर कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है, कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है क्रिस्टीन मार्गरेट सिंक्लेयर, और ये आपका बिलोंग करती है कौन से स्पोर्ट्स से,
सोकर से, ओके, सोकर से बिलोंग करती हैं या आपकी मार्गरेट सिंक्लेयर। मार्गरेट सिंक्लेयर कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, ओके, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, राइट आंसर उसका रहेगा आपका, कौन सी कंट्री है ये आपकी, कनाडा है, कनाडा है राइट आंसर। क्रिस्टियन मार्गरेट सिंक्लेयर कैनेडियन सोकर प्लेयर बनी ऑल टाइम टॉप स्कोरर, कितने गोल्स उन्होंने इंटरनेशनल सोकर में अभी तक बनाए हैं, कितने गोल्स उन्होंने इंटरनेशनल सोकर में आपके किए हैं, और वो राइट आंसर आपका रहेगा उसका 185 इज दी राइट आंसर। ओके, नेम द स्टेट ऑफ इंडिया जिसने पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन स्टेट क्राइम बोर्ड रिकॉर्ड ब्यूरो टू फैसिलिटेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR, ये आपका इनिशिएट किया है, और ये राइट आंसर इसका है आपकी, कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है, ये आपका किया है ओडिशा ने हाल ही में। ओके, नेम द पर्सन जिन्होंने इनॉग्रेट किया स्टेट का पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन एट द स्टेट क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो भुवनेश्वर में। ओके, किसने आपका इनॉग्रेट किया है इसको, किसने इनॉग्रेट किया है आपका इसको, और ये इनॉग्रेट आपका किया गया है नवीन पटनायक जी, वहां के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। 73rd एडिशन ऑफ द 2020 EE ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स वर हेल्ड दैट। ओके, सो ये आपका 73rd एडिशन 2020 EE ब्रिटिश एकेडमी, ये कहां पर हुए थे आपके बाफ्टा अवार्ड्स, बाफ्टा अवार्ड्स आपके हुए थे रॉयल एल्बर्ट हाउस लंदन में आयोजित किए गए थे। ओके, लंदन में आयोजित किए गए थे। नेम द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द बाफ्टा 2020। बाफ्टा 2020 में बेस्ट फिल्म किसको दिया गया है, किसको दिया गया है बाफ्टा में आपका बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट फिल्म का दर्जा आपका दिया गया है 1917 को दिया गया है। नेक्स्ट, नेम द एक्टर जिसने लीडिंग एक्टर अवार्ड बाफ्टा में जीता है, बाफ्टा में आपका जीता है आपका लीडिंग एक्टर अवार्ड, और ये जीता है आपका फिनिक्स ने। ओके, फिनिक्स ने जीता है आपका एक्टर अवार्ड। फाइनल रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, ये किसके द्वारा आपका हेड की गई इस रिपोर्ट को, इस कमेटी को किसके द्वारा हेड किया गया है इनमें से, और ये आपका हेड किया गया है युधवीर सिंह मलिक के द्वारा, इस कमेटी को हेड किया गया है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको सबमिट की है, कौन सी मिनिस्ट्री को इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है किसको, ये सबमिट किया है रोड ट्रांसपोर्ट एंड दी हाईवे को, कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को सबमिट किया है रिपोर्ट। किसको सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 इन एशिया पैसिफिक रीजन से आपका नवाजा गया है, मैगजीन बैंकर के द्वारा, बैंकर मैगजीन के द्वारा इनको नवाजा गया है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 से, और ये है आपका राइट आंसर शक्तिकांत दास, इंडिया के आरबीआई के गवर्नर है। एक्सपेक्टेड जीडीपी फिच रेटिंग के अनुसार, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की आपके एक्सपेक्टेड जीडीपी फिच रेटिंग के अनुसार इंडिया की कितनी प्रोजेक्ट की गई है, कितनी एक्सपेक्ट की गई है, कितनी आपकी उन्होंने उसको एक कहा है, कितनी एक्सपेक्टेशन है, राइट आंसर 5.6% इसका रहेगा। Who will be conferred by the Madhya Pradesh Government National Kishore Samman, Kishore Kumar Samman, Kishore Kumar Samman Madhya Pradesh Government के द्वारा किसके दिया गया, और ये दिया जाएगा आपका वहीदा रहमान जी को, वहीदा रहमान जी को। Who has been selected as the President of the Paralympic Committee of India, Paralympic Committee of India के President किसको चुना गया है, और ये चुना गया है आपका दीपा मलिक, दीपा मलिक को प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का चुना गया। दीपा मलिक ने आपका सिल्वर मेडल जीता इन विच स्पोर्ट इन द रियो पैरालंपिक जो कि 2016 में हुए थे, उसमें कौन से स्पोर्ट में इन्होंने आपका सिल्वर मेडल जीता था, और ये जीता था इन्होंने किसमें, शॉर्ट पुट में। ओके, शॉर्ट पुट में इन्होंने ये मेडल आपका जीता था। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने 3 मेंबर की कमेटी बनाई है आपकी क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी, इनमें से कौन इसमें मेंबर नहीं है, इनमें से कौन उसके मेंबर नहीं है, 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर के नाम सही हैं, चौथा मेंबर इसमें जो नहीं है इसका वो आपको बताना है। ओके, सो ये जो चौथा मेंबर है जो इसमें शामिल नहीं है वो है संदीप पाटिल, बाकी तीनों के तीनों इसके मेंबर बनाए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पी मैथ्यू सत्या बाबू कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं आपके, एंड दिस इज द पी मैथ्यू सत्या बाबू, राइट आंसर इसका है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल से आपके बिलोंग करते हैं। अजमल सुल्तानपुरी बिलोंग्स फ्रॉम विच प्रोफेशन, कौन से प्रोफेशन से आपके अजमल सुल्तानपुरी आपके बिलोंग करते हैं, अजमल सुल्तानपुरी का प्रोफेशन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एंड इनका इसका राइट आंसर आपका रहेगा बी, दैट इज दी उर्दू पोएट है।
MLM कमालम बिलोंग्स टू विच स्टेट एंड पॉलिटिकल पार्टी हु रिसेंटली पास्ड अवे. ओके, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया. एम कलामम कौन से स्टेट कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे. ओके, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, ये थे कांग्रेस एंड दी केरला से बिलोंग करते थे. विद्याबल बिलोंग टू विच प्रोफेशन, विद्याबल कौन से प्रोफेशन से आप हाल ही में इनका भी निधन हो गया, कौन से प्रोफेशन से रिलेट करती थी, और ये थी आपकी एक सोशल एक्टिविटीज फेमिनिस्ट राइटर भी. ओके, सो ये ए इज द राइट आंसर, ए है ना इसका सही आंसर. तो ओके, सो ए इज द राइट आंसर. चलो नेक्स्ट चलते हैं. वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली, कौन से डे को वर्ल्ड कैंसर डे ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है. नेम द थीम, थीम क्या थी इस बार की 2020 वर्ल्ड कैंसर डे की, और ये थीम थी आपकी क्या थी, आई कैन एंड आई विल आपकी इसकी थीम थी, थीम 2020 वर्ल्ड कैंसर डे की. ओके, आई एम एंड आई विल गलती से बोल दिया मैंने. When is the World Wetland Day observed to spread awareness? World Wetland Day कौन से डे ऑब्जर्व किया जाता है, World Wetland Day ऑब्जर्व किया जाता है आपका बी, दैट इज 2 फरवरी को, 2 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है. सॉरी, थीम है वर्ल्ड वेटलैंड डे की, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2020 की आपकी थीम क्या रही है, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2020 की आपकी थीम, ये थीम रही है आपकी wetlands and the biodiversity, इसकी थीम रही है. सो हियर वी आर, वी हैव डन विद द 78 क्वेश्चंस. ओके, एंड आई थिंक इतना जल्दी इतना क्विकली आपको 78 क्वेश्चंस कहीं भी नहीं मिलेंगे, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे, और उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा पैटर्न मजा आया होगा, बहुत ही शानदार लगा होगा. बस इसी तरह से मेरे साथ बने रहिएगा, और कहीं से भी और एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना कॉन्फिडेंट मुझे अपने एमसीक्यूज पे भी आ गया. ठीक है, सो उम्मीद करता हूं आप इसी तरह से सेशन को अटेंड करते रहेंगे, उसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और डेफिनेटली अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको करंट अवेयर्स का एज वेल एज द एमसीक्यूज का कहीं नहीं मिलेगा. और इस क्लास को जरूर लाइव अटेंड किया कीजिए. ठीक है, और टेक केयर, मिलते हैं फिर हम, और स्कोर आपका शानदार रहा, बहुत बढ़िया. ठीक है, सो मजा आ गया स्कोर देखकर भी आप सभी का, एंड मिलते हैं फिर इसी तरह से फ्री क्लासेस में. मिलते रहिएगा मेरे साथ, आते रहिएगा मेरे साथ, और जुड़ते रहिएगा, और लोगों को भी जोड़िएगा. टेक केयर, बाय बाय. ओके, सो सी यू अगेन.